स्थिति गंभीर होगी, विष्णु लाभा ने हथियार उठा लिया, वापस नहीं रखूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, फिर गोली चलाऊंगा। राजस्थान के टोंक जिले में महंदावास में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायत को लेकर ट्री मैन के नाम से मशहूर विष्णु लाम्बा पर दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में परिवार के 3 लोग भी घायल हुए हैं, जहां सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कि आपके कुछ पेड़ों को काट दिया गया है, उनकी सूचना पर मैं पेड़ देख करके वहाँ कटे पेड़ों की फोटो लेके वापस लौट रहा था। एक बिलपत्र का पौधा मेरे हाथ में था, मैंने देखा कि चौराहे के ऊपर जो पंचायत समिति सदस्य मीनाक्षी शर्मा जी हैं, उन्होंने 4 दिन पहले माननीय जिलाधीश महोदया को शिकायत दी है, जो बाहुबली परिवार जिन्होंने हमला किया, लोगों ने जो आदतन अपराधी हैं जिनके खिलाफ कई बलात्कार मुकदमे आते हैं, लूटपाट की धाराएं दर्ज हैं, उन लोगों ने अचानक पीछे से आकर के मुझ पर हमला कर दिया। और सामने मैंने देखा कि बड़े भाई साहब को गालियाँ बक रहे थे लोग, तो वहाँ पर जांच नहीं हो रही थी, मैं जा रहा था उधर और अचानक उन्होंने पीछे से अटैक कर दिया, फरसे से सर पे मारा है और पीछे कई हथियारों से उन्होंने वार किए हैं हाथ पे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रशासन की इतनी जो स्थिति आप देखिए कि तंत्र की उदासीनता। पिछले 1 घंटे तक वहाँ स्वास्थ्य कल्याण जो स्वास्थ्य भवन है छाण वाला, उसमें नहीं देखा गया, यहाँ आने के बाद में जिस तरह की चीज़ें हैं वो आप देख रहे हैं। मेरा आप सब लोगों के माध्यम से निवेदन है, मैंने आज तक हमेशा हर चीज़ को बर्दाश्त किया है, मैं प्रशासन से, सरकार से और स्थानीय प्रशासन से भी विष्णु लाम्बा हथियार उठाने पर मजबूर नहीं हो ऐसा कुछ कीजिए, समय रहते संभाल लीजिए। जिस दिन मैंने हथियार उठा लिया मैं सरेंडर नहीं करूंगा, फिर कार्यक्रम नहीं है, पूरे घायल विष्णु लाम्बा ने बताया कि सरकार के घर घर रोशनी अभियान के तहत वो अपने गांव लाम्बा आए हुए थे। गांव के ही कुछ दबंग अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर रहे थे, जिसको देखने वो मौके पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया, साथ ही अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई। रिपब्लिक इंडिया के लिए टोंक से मनीष बागड़ी की रिपोर्ट।